ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर इकाई ने प्रेसवार्ता का आयोजन किया। प्रेसवार्ता में इकाई अध्यक्ष सूरज ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार तकनीकी विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बनाने में लगी हुई है और तकनीकी शिक्षा मंत्री भूल गए हैं कि तकनीकी विश्वविद्यालय भी उन्हीं के मंत्रालय में आता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक तकनीकी शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय की आवाज को विधानसभा में नहीं उठाया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर इकाई ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता को तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर एबीवीपी के इकाई अध्यक्ष सूरज जरियाल, इकाई सचिव अंकिता शर्मा और हमीरपुर नगर मंत्री रोबिन ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता में इकाई अध्यक्ष सूरज ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार तकनीकी विश्वविद्यालय को राजनीति का अखाड़ा बनाने में लगी हुई है। सूरज ने कहा कि तकनीकी शिक्षा मंत्री भूल गए हैं कि तकनीकी विश्वविद्यालय भी उन्हीं के मंत्रालय में आता है। लेकिन दुर्भाग्य से आज तक तकनीकी शिक्षा मंत्री ने विश्वविद्यालय की आवाज को विधानसभा में नहीं उठाया। पिछले 10 वर्षों से ये विश्वविद्यालय विकास की राह देख रहा है, लेकिन सरकार की उदासीनता की वजह से यह विश्वविद्यालय पिछड़ रहा है। आज तक विश्वविद्यालय को सरकार ने बजट का प्रावधान नहीं किया, जो कि शर्मनाक है। आए दिन प्रदेश सरकार से नए नए नियम इस विश्वविद्यालय के लिए लागू किए जा रहे हैं, जो कि राजनीति से प्रेरित हैं। पिछले कुछ दिन पहले विश्वविद्यालय के अंदर कोई भी नया पाठ्यक्रम नई भर्ती ना हो, इसके लिए प्रदेश सरकार और तकनीकी शिक्षा विभाग ने तुगलकी फरमान सुनाया है, जिसका विद्यार्थी परिषद कड़े शब्दों में विरोध करती है। प्रेस वार्ता में प्रमुख मांगों को उठाया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के साथ खिलवाड़ बंद हो, विश्वविद्यालय को बजट का प्रावधान किया जाए, विश्वविद्यालय में नियमित शिक्षकों की भर्ती की जाए, विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े गैर शिक्षकों की भर्ती की जाए, विश्वविद्यालय के नए परिसर में जल्दी से जल्दी कक्षाएं शुरू की जाए। मेरा नाम सूरज जरियाल, वर्तमान में तकनीकी विश्वविद्यालय मीरपुर का इकाई अध्यक्ष। जो हमारी आज की प्रेस वार्ता की मुख्य मांग थी वो थी कि जो यूनिवर्सिटी की जो स्वायत्तता वो उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि अभी टेक्निकल मिनिस्टर का एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें वो बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी जो है अपने कोर्सेज खुद स्टार्ट नहीं कर सकती है, कुछ भी कोई भी अपने फैसले कोई भी रिक्रूटमेंट्स वो खुद नहीं कर सकती, उसके लिए उसको सीएम सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। और यूनिवर्सिटी को पिछले 10 साल से जो यूनिवर्सिटी बनी है, 2010 में जो यूनिवर्सिटी बनी है, उसको अभी तक 9-10 सालों से कोई भी बजट का जो है प्रावधान कोई भी सरकार की तरफ से यूनिवर्सिटी को नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी आपसे आपके माध्यम से ये मांग है, मांग करती है हम कि यूनिवर्सिटी को बजट, नियमित बजट दिया जाए, जिसके कारण उससे मतलब कि शिक्षकों और जो नियमित टीचरों की शिक्षकों की जो भर्ती है उसके साथ कोई खिलवाड़ ना की जाए, उसको नियमित शिक्षकों की भर्तियाँ की जाए और विश्वविद्यालय प्रशासन को जो नया कैंपस है उसमें शिफ्ट कर दिया जाए और एचपीटीओ को जैसे सीयू का राजनीति का मुद्दा बना के उनका कैंपस कभी यहाँ शिफ्ट, कभी वहाँ शिफ्ट, कभी देहरा में शिफ्ट, कभी धर्मशाला में शिफ्ट कर दिया। जैसा मतलब सीयू का मुद्दा बना था राजनीति का, वैसा एचपीटीओ का मुद्दा ना बने। अगर ऐसा हुआ तो विद्यार्थी परिषद इसको प्रदेश स्तर का ही नहीं, राज्य जिला स्तर का नहीं, राज्य स्तर का आंदोलन बनाएगी और एवं बाद में कड़े आंदोलन जो भी करेगी उसके लिए प्रदेश सरकार एवं विश्वविद्यालय प्रशासन खुद जिम्मेदार होगा। इकाई सचिव अंकिता शर्मा ने कहा कि तकनीकी शिक्षा मंत्री एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालय का संविधान पढ़ लेना चाहिए। इसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि विश्वविद्यालय जब चाहे कोई भर्ती या कोई भी पाठ्यक्रम शुरू कर सकता है, जिसके लिए किसी मंत्री या सरकार से अनुमति लेना जरूरी नहीं है। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि प्रदेश सरकार शीघ्र अपने निर्णयों को वापस ले, अन्यथा विद्यार्थी परिषद सड़कों पर उतरेगी और इसे प्रदेश का आंदोलन बनाया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो विद्यार्थी परिषद जेल भरो आंदोलन भी चलाएगी। हमने कुछ थोड़े से दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोई भी अपना फैसला खुद नहीं ले सकती, प्रदेश सरकार वो सारे फैसले लेगी। पर एक जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोई भी विश्वविद्यालय वो एक अपने आप में ऑटोनॉमस बॉडी होती है, उसके पास राइट होता है कि वो अपने सारे फैसले खुद ले सके, रिक्रूटमेंट तक वो खुद कर, टीचरों की रिक्रूटमेंट के फैसले भी वो खुद ले सकती है, जो भी नए कोर्सेज होते हैं वो उनके पास राइट होता है कि वो अपने नए कोर्सेज स्टार्ट कर सकती है, नई क्लासेस स्टार्ट, न्यू एडमिशंस करवा सकती है बच्चों में। विधानसभा के ने भी ये परमिशन दी हुई है यूनिवर्सिटी को कि वो अपना फैसला खुद ले सकती है जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई भी काम हो रहा है, उसको खत्म ना किया जाए।